टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए, कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम कहेंगे वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। वेरिएबल वो हैं जिनके अंदर आपके जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। कॉन्स्टेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, स्टे करेंगे, वही बात हो रही है। और कॉन्स्टेंट जो होते हैं डिक्लेयर किए जाते हैं विद ए कीवर्ड। कौन सा यूज करते हैं? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का कीवर्ड है CONST। ये अगर आप कॉन्स्टेंट का कोई कीवर्ड लिखना चाहेंगे तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी कीवर्ड से, ठीक है? कि अगर आप वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर करना चाहें उसके लिए अगर CONST अगर लिखते हैं तो नहीं, ये कीवर्ड वेरिएबल का नहीं है। हेयर फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो चीज आपको यहां से क्लियर होगी स्पेशली जो बात हमने ऊपर की है, इसके अंदर देखिए जैसे फ्लॉट नंबर लिया हमने। फ्लॉट मतलब जो वैल्यू, जो पॉइंट में नंबर्स होते हैं उनको फ्लॉट में लिखा जाता है, 3.14। तो पाई वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब पाई की वैल्यू तो यही रहेगी, पाई की वैल्यू तो यही होती है, चेंज थोड़ा ना होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपने बोला है कि आपके पास ए की वैल्यू 10 है। अब वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू कैन बी चेंज। आप अभी डिफाइन कर रहे हैं 10, आप थोड़ी देर में अगर इसकी वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं 11 डिफाइन कर दीजिए, 12 डिफाइन, 13, 14, जो मर्जी इसकी वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, ये आप वेरिएबल में कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट में देखो, अब पाई की वैल्यू आप अपनी तरफ से थोड़ा ना दोगे, वो तो एग्जैक्टली यही होती है ना, ठीक है ना? थैंक यू।